मेरे के रखते पे आई है ना, तुझे मैं बताऊंगी। चल ओ मेरी बात सुन। ओए ओए हाथ कैसे लगाया? गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो यार। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपके रेड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो, बहुत 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 धमाकेदार वीडियो। तो मैं आपको बता दूं आज किस पे प्रैंक करने वाली हूँ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है क्योंकि मैं प्रैंक करने वाली हूँ यश चौधरी की गर्लफ्रेंड पे यार। हाँ बंदी। तो यार क्या है कि ये होता है ना, बहुत आगे की सोचने के लिए ना थोड़ी बहुत पीछे वाली चीज़ें ना जान लेनी चाहिए। तो यार मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया, साक्षी नाम है उसका। तो एक बार कॉल लगा लीजिए। बंदी कहाँ पहुँची है? बस अभी बात हुई थी, बोल रही थी 10 मिनट में आ जाएगी। एक बार बंदी को फोन किया जाए, पूछती हूँ कहाँ पहुँची है कहाँ नहीं। और बिजी जा रही है यार, एक बार और कॉल करते हैं। अच्छा ये एक प्यारा है ना। हेलो यार कहाँ रह गई साक्षी तुम? क्या बस 5 मिनट में मेट्रो में हूँ, निकल रही हूँ। बस एग्जिट ले रही हो ना? ठीक है जल्दी आ जाओ प्लीज, है ना। ओके ओके। तो यार बंदी 5-10 मिनट में आने वाली है, तब तक आप इससे बता दो इतना प्यारा है। देख रहे हो इसे? मुझे इनसे बहुत प्यार है, कितना प्यारा है ये, है ना। कमेंट करके बता देना इसके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, इतनी प्यारी प्यारी चीजें लेके आती हूँ आपके लिए। तो गाइस आजकल हर कोई पैसा कमाना चाहता है, वो भी कम टाइम में बहुत सारा पैसा। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिग ड्रॉपलेट के बारे में, जहां आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब हम यहाँ बिट ड्रॉपलेट के ऑफिशियल साइट पे आ गए। इसमें आप बिटकॉइंस में SPP यानी सिस्टमेटिक परचेज प्लान भी कर सकते हो। यहाँ विद एग्जांपल्स चार्ट से लास्ट 2 ईयर्स के बिटकॉइंस के फ्लक्चुएशन को शो भी किया गया है। समटाइम्स ये नेगेटिव भी है बट लॉन्ग पीरियड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। साथ ही बिटकॉइंस एंड म्यूचुअल फंड के रिटर्न परसेंटेज का कंपेरिजन भी शो किया गया है। यहाँ नीचे नॉर्मल बिटकॉइंस परचेज एंड बिटकॉइंस SSP के डिफरेंस को अच्छे से बताया भी गया है, और साथ ही ये काम कैसे करता है यहाँ भी इसकी प्रॉपर डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हम साइन अप करके लॉगिन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट पर इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर डेली वीकली या मंथली फ्रिक्वेंसी चूज करनी है। अब स्टार्ट डेट चूज करके नेक्स्ट करके इन्वेस्टमेंट गोल एंड टारगेट अमाउंट चूज करना है। कन्फर्म करके एनी 3 अवेलेबल ऑप्शन से अमाउंट ऐड कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस बिट ड्रॉपलेट को चेकआउट करना आप बोले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। यार बंदी का फोन आ चुका है, एक बार उठाते हैं। हेलो हेलो। हाँ साक्षी मैं बात नहीं बोल रही हूँ। पार्क अरे देखो, देखो देखो। अरे अच्छा तुम तो आज क्यूट सी बन के आई हो, सामने से हेयर बैंड वाइट कलर का आज। हाय कैसे हो? कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। मेरे नए फ्रेंड से मिल लो, ये मेरा दोस्त है। क्यूट है, क्यूट है ना, प्यारा है ना। बैठो बाबू, चलो आप खेल लो, मैं मिलूंगी आपसे, ठीक है। हाँ साक्षी मेरे को ना तुमसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें पता है वैसे मैं बुलाती नहीं ऐसे मिलने, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं हम लोग भी। यार एक क्लियर करूँ बात, थोड़ा घबराहट सी हो रही है, बात कैसे करूँ तुमसे यार? कोई नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यार यश के साथ क्या सीन है तुम्हारा? कोई सीन नहीं है, मेरा फ्रेंड है। जस्ट फ्रेंड सीरियसली? यस जस्ट फ्रेंड तो नहीं है यार, इतना तो पता है। क्योंकि यार कल रात को ना हम लोग नाइट आउट पे थे और हम लोग ना जैसे उनके 6 लाख हो गया ना, तो 6 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, फैमिली कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब की, तो हम लोग पार्टी गए थे। तो वहाँ पे ना क्या हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा उसने ड्रिंक कर ली थी और बहुत ज़्यादा भंड हो गया था बंदा। तो फिर मैंने उसका फ़ोन चेक कर लिया, पता नहीं मेरे माइंड में ऐसा एकदम क्या आया कि कर लेना चाहिए फ़ोन। देख रही थी वैसे मज़े में, तो सामने तुम्हारी चैट खुल गई साक्षी, और तुम उसे मैसेज कर रही थी कि यूट्यूब चैनल बनवा दो, ये करा दो, वो करा दो हेल्प के लिए। चलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त काम नहीं आएगा तो दोस्त कौन आएगा यार, दोस्तों से बड़ी चीज़ तो क्या है दुनिया में। बट मैंने देखा यार तुम्हारी बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी यार, होटल में थी जो, तो क्या सीन है यार? तो जस्ट फ्रेंड भी कर सकते हैं। अच्छा जस्ट फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड्स होटल में भी चले जाते हैं क्या? ये चीज़ मैंने अभी यश से क्लियर नहीं करी, क्योंकि यश और मेरा ना अभी बहुत तगड़ा सीन हुआ है। उसने मुझे अभी परसों चाटा मारा था, खिंचा के थप्पड़ मारा था, और मैं सीरियसली वो वीडियो अपलोड नहीं करना चाहती थी। बट ठीक है, मैं बहुत रियलिस्टिक चीज़ें दिखाती हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने वो अपलोड कर दी, कोई नहीं जो हुआ सो हुआ। बट एक्चुअल में ना मैं दिल से उसे माफ़ कर नहीं पा रही हूँ। ऊपर से फिर रात को क्या हुआ कि हाँ चलो पैचअप किया मैंने, उसके साथ बात करी, और फिर देखा तो तुम्हारी ये क्लोज फोटो सामने आ गई। तुम एक बात बताओ, तुम जस्ट अ फ्रेंड बोल रही हो, तो यार जस्ट फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि होटल में जाके सेल्फी लेना, वो भी क्लोज फोटोज़? तो आपका मतलब क्या है?
मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे साथ में उसकी फोटोज है, तो तुम्हारा क्या सीन है? क्योंकि मैं यार इन फ्यूचर उसके साथ प्लान करने का सोच रही हूँ। तो आप सोचो ना, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो? यार देख यार, सीधी सी बात है, मैं तुझे नहीं बोलूंगी तो किसे बोलूंगी? क्योंकि तेरी फोटो सामने है। तमीज में बोलो, ठीक है? मैं तमीज में ही हूँ, क्योंकि मेरा ना एक होता है ना कि दिमाग से ना चीजें बाहर हो चुकी है, सर के ऊपर से पानी टप चुका है। और मैंने देखा तुम्हारी वो फोटोज, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसमें ना तुम उससे चेप हो रही थी, वो नहीं हो रहा था। और मुझे तो सीरियसली ये समझ में आ रहा उसने तुम्हें ऐसा क्या देख लिया जो सीरियसली यार वो बंदा ऐसे हरकतें कर रहा है। पहली बात तो मेरा फ्रेंड है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो सोचना है सोचो, ठीक है? तुम्हारा दोस्त है तो फोटोज होटल में चली जाती है, फोटोज है तो है। अपने दोस्तों के साथ होटल में कौन चला जाता है? सीरियसली कुछ भी, मैं तो नहीं जाती अपने दोस्तों के साथ होटल में। बंदा होगा तभी तो होटल में गए होगे। हाँ है बंदा, चल रहा है मेरा चक्कर, क्या करोगी? यही तो सुनना चाहती थी मैं, क्या करोगी? क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ नहीं कर सकती यार। मैं तो पहले, मेरे को एक बंदे ने चीट किया था, मैं तो तब भी कुछ नहीं कर पाई, मैं तो आज भी कुछ नहीं कर सकती। तो बस क्यों बोल रही हो तुम इतना? मैंने यही चीज क्लियर करने के, तो फिर झूठ क्यों बोल रही थी यार? अभी बोल देती ना सच की, हाँ चक्कर चल रहा है तो चल रहा है। यश अभी आ जाएगा तो पता लग जाएगा ना, मैं उसको, यश को वैसे फोन करके भी बुला रही हूँ। तो बुला लो ना उसको भी। सीरियसली यार मेरे को ना बहुत, मैं बता रही हूँ एज अ फ्रेंड, अनएक्सपेक्टेड था यश से सच में यार, कि यार वो क्लोज फोटोज होटल में। मैंने उससे बात करने की रात को कोशिश की, मैंने कहा चल छोड़ बंदा है, बंदे ने पी रखी है, मैं बात बात नहीं कर रही। लेकिन ना मेरे दिल को जो अभी ठेस पहुँची है ना, उसका मैं ना बता नहीं सकती हूँ। तो आप मुझे क्यों बता रही हो? उसको बताओ ना जिसकी गलती है। मैं जिसकी गलती नहीं है, क्योंकि तुम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो ना, उसकी ज़्यादा यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तुमने, मैं तुम्हारे मैसेज देखे, तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया, वो बंदा डिनाई कर रहा था कि नहीं यार साक्षी मुझे नहीं मिलना, तुम्हें तो पता है मैं रेड्स को पसंद करता हूँ, और फिर तुम उससे बार बार फोर्सफुली उससे मिल रही हो, यार ऐसे कौन करता है यार? बहुत यार, मतलब किसी के बीच में आ रही हो तुम, किसी का घर उजाड़ रही हो। अभी तो घर बसा ही नहीं है तुम पहले उजाड़ने के लिए यार। उजाड़ी तो थी नहीं मैंने, मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं था आपके बारे में। मेरे बारे में नहीं पता था? नहीं पता बस था। यार पूरी पब्लिक को पता है, पूरी दुनिया को पता है, मेरी पूरी YouTube फैमिली, उसकी YouTube फैमिली, सबको पता है कि हम एक दूसरे के साथ प्लान कर रहे हैं आगे का, और सब हमें बहुत पसंद भी करते हैं। सो प्लीज़ हमारे बीच में ना छोड़ो, ठीक है? रहने दो, बस देख लिया तुम्हारी, तुम क्या बोल रही हो, तुम कुछ सोच रही हो कुछ? मैं कुछ नहीं सोचना, मुझे, मैंने बता दिया कि मुझे तुम जैसे लड़कियों से सख्त नफरत है। जो एक हाथ हटा के बात, भाई एक सेकंड, हाथ हटा के, मेरा हाथ कैसे हटा रही हो? क्या मैंने तुझे ऐसे ही किया ना? मैं तुझे धक्का तो नहीं दिया ना? धक्का देने की हिम्मत भी नहीं है तुम्हारी, ठीक है? कम बोलो। हिम्मत तो मेरी बहुत है, बहुत है। मैं दिखाना नहीं चाहती यार हिम्मत, ठीक है? और यश को अभी बुला लिया ना मैंने, एक मिनट में यूं कहते हैं ना ब्लॉक करवा दूंगी, समझी? हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, ठीक है? और अच्छी लग भी नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे लाख गुना अच्छी लग रही है, ठीक है? दिल से बंदा अच्छा होना चाहिए, और वो मैं हूँ, मुझे पता है, मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया, लेकिन तेरी तरह थोड़ा और घर उजाड़ती फिरूं यार। शादी तो हुई नहीं है तुम्हारी, घर उजाड़ू मैं? भाई शादी प्लान करूंगी, बंदा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेरे बस का ना है, मैं तो शादी प्लान करूंगी डायरेक्ट, तेरी तरह नहीं हूँ मैं। अच्छी बात है, बन भी नहीं सकते तुम। तेरी जैसे बनूंगी क्या मैं? तू लायक नहीं है, तू लायक नहीं है, उसकी दोस्त के भी लायक नहीं है तू, क्योंकि पहले तू आके झूठ बोला तूने मुझे, और फिर तू अब ये हरकतें कर रही है कि हाँ है वो मेरा बंदा। ए शर्म नहीं आती किसी का घर उजाड़ते हुए? थोड़ी तो शर्म करो, लायक नहीं है तू जैसी लड़कियां ना, सीरियसली सच बता रही हूँ मैं। और पता नहीं उसे क्या देखा तुझमें यार, दोस्त भी लेवल के होने चाहिए, जो कम से कम किसी और के मतलब बंदो बंदियों में दौरे तो ना डाले, तुम्हारी तरह नहीं भाई। कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, लिमिट में बोल, ज्यादा नहीं बोल रही, मैं बहुत सही बोल रही हूँ, लिमिट में बोलो, लिमिट में ही बोल रही हूँ, कुछ ज्यादा ही बढ़ के बोल रही हूँ। हाँ और ये है ना जो सीरियसली, ये ना हाथ भी मत लगाओ, ठीक है? क्या हाथ मत लगाऊं? तू लगी फरी रही है, मैं क्या करूं? तुम बड़ी गुर की परी लग रही हो। कोई दिक्कत नहीं है, तू एक काम कर, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जा, दूसरी फुर्सत का मुझे मौका मत दियो। हाँ ठीक है, निकल, तू भी निकल, निकल 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 निकल, एक काम कर, निकल, चल, धक्का मत मार, निकल निकल, सामने रास्ता है, सामने रास्ता है, वो देख सामने रास्ता, वो देख, तू ही चले जा उसी रास्ते से, ठीक है? हाँ तू, तेरे लिए बना हुआ रास्ता, मेरे लिए नहीं बना, जा। औरों के घर उजाड़ने में तुम लोग माहिर होते हो ना, कहीं ना हो तू ही है माहिर, जा तेरा ही रास्ता है वो, जा। अच्छा मेरा रास्ता है, मैं तो ऑलरेडी हूँ, मैं तो तुझे मिलने बुलाया, तू आ भी गई, वो तो तुझे मैंने अच्छा समझा था तभी मैं आ गई, मुझे क्या पता रिक तू ऐसी निकलेगी। अच्छा मैंने तेरे साथ क्या कर दिया? क्या मैंने तेरे कपड़े खींच दिए? मेरे के रखते पाए हैं ना, तुझे मैं बताऊंगी, चल। ओ मेरी बात सुन, ओए ओए, हाथ कैसे लगाया है? हाथ कैसे लगाया? तूने कैसे लगाया था? निकल यहाँ से, चल चल निकल, चल चल। और तू ना, तू तुझ जैसी लड़कियां ना लायक भी नहीं है, ठीक है? दोस्ती के, और यश से अभी तुझे ब्लॉक कराऊंगी और बताऊंगी उसने तूने मुझ पे हाथ उड़ाया, समझी? हाँ ठीक है, लायक नहीं है, चल निकल, दफा हो, निकल, तू भी निकल। औरों के घर उजाड़ती हो, शर्म आनी चाहिए।
तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है? तुझे आनी चाहिए, शर्म, निकल यहाँ से, चल निकलो, तुम भी निकलो यहाँ। अच्छा सुन तो ले एक बार बात, इधर तो आ। सड़ा वो मुंह क्यों बना रही है? I'm so sorry, मैं प्रैंक कर रही थी। ओ यार ऐसे कौन प्रैंक करता है यार। तुम्हारे कैमरा लगा हुआ सामने। मैं मजाक कर रही थी यार, मुझे पता तुम्हारा कोई सीन नहीं है, वो मैं ऐसे मन घड़त कहानियां बुन रही थी। अच्छा ठीक है, वो सामने कैमरा, हाय कर दो जल्दी से। सॉरी यार अगर हर्ट किया हो, वैसे हर्ट नहीं किया, मेरी इंटेंशन नहीं थी, बट यार प्रैंक में चलता है, आपको पता है प्रैंक वाले किसी के सगे नहीं होते, तो कर दिया छोटा सा प्रैंक। यश चौधरी की बंदी नहीं है, क्लियर हो चुका है। सो आप सोचे कि कुछ अच्छा प्लान करेंगे, कर लो प्लान। यश कैसा है? अच्छा है। आज के बाद ना करिए मेरे बंदे से फिर। ओके सॉरी यार अगर बुरा लगा तो, है ना? नहीं कोई बात नहीं, बाय।